2024 के DPLT20 में पुरानी दिल्ली 6 ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 20 रन से हराया। पुरानी दिल्ली ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 172 रन ही बनाए। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। बाबर आजम का बल्ला नहीं चला और इससे उनकी रैंकिंग में नुकसान हुआ। विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल को फायदा मिला। भारत के 3 बल्लेबाज टॉप 10 में हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स LSG ने IPL 2025 ऑक्शन से पहले भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को टीम का मेंटर बनाया। ये पद गौतम गंभीर के KKR से जुड़ने के बाद खाली था। जहीर खान ने पहली बार IPL में 2008 में खेला था और अब वह लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इंग्लैंड के तूफानी बल्लेबाज और तीनों फॉर्मेट में शतक जमाने वाले ओपनर डेविड मलान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। मलान ने इंग्लैंड की टीम के लिए टेस्ट, वनडे और T20 में कुल 22, 30 और 62 मैच खेले हैं और T20 वर्ल्ड कप 2022 जीतने में मदद की थी। श्रेयस अय्यर ने बुची बाबू टूर्नामेंट में सरफराज खान की कप्तानी वाली मुंबई के लिए खेलते हुए गेंदबाजी की। उन्होंने वेस्टइंडीज के सुनील नरेन के एक्शन को कॉपी किया। इस वीडियो को आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। मैसूर वॉरियर्स के कप्तान करुण नायर ने महाराजा ट्रॉफी 2024 में अपनी तीसरी 50 जड़कर 80 रन बनाए। इसके चलते मैसूर वॉरियर्स ने 74 रन से हुबली टाइगर्स को हराया। करुण नायर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। फिल्म रिंग्स ऑफ पावर के एक्टर चार्ली विकर्स ने बताया कि वह कोहली से मिलने के लिए नर्वस थे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने देश के पूर्व क्रिकेटर ब्रेट ली के माध्यम से बॉलीवुड की जानकारी मिली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिक्स ने वेस्टइंडीज में कैरिबियन प्रीमियर लीग में त्रिनबागो नाइट राइडर्स को अपनी शानदार पारी से जीत दिलाई है। इस पारी में रोड्रिक्स ने अकेले लड़ते हुए अर्धशतक जमाया और टीम को फाइनल में पहुंचाया।